नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हम डेरिवेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो भी किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे आपके। तो आइए हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले हम जो डेरिवेशन करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले डेरिवेशन की हेल्प से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, यानी वैद्युत विभव, और किसके कारण, तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है जी, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और देखो ये डेरिवेशन चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हो और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, डाइपोल के कारण, ये डेरिवेशन आपने 12th क्लास में पढ़े थे, है ना, आपको याद है। एक डेरिवेशन होता था एक्सियल पोजिशन का, यानी अक्षीय स्थिति का। ठीक है जी, यानी वैद्युत विद्रोह के कारण वैद्युत विभव हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। तो दो डेरिवेशन होते थे, एक तो एक्सियल पोजिशन है ना, जिसे एंड ऑन पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है जी, उसका नाम था अक्षीय स्थिति। क्लियर है, अक्षीय को अनुदैर्ध्य भी कहते थे, यानी लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन भी इसे आप कह सकते थे। और दूसरा डेरिवेशन था आपका नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजिशन, या परपेंडिकुलर को कहते हैं ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स पोजिशन भी आप उसे कहते थे। ठीक है, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति या निरअक्षीय स्थिति है ना, तो उसके इस तरीके से नाम थे। तो दो डेरिवेशन आपने पढ़े थे 12th क्लास में, दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के थे और दो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव के थे। लेकिन डेरिवेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है, डेरिवेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, लेकिन और हाँ डाइपोल के कारण ही है, लेकिन उसके दो केस इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक जनरल डेरिवेशन पढ़ेंगे और फिर उसके केस फर्स्ट और केस सेकंड में हम पढ़ लेंगे और देखेंगे वही आएगा, है ना। तो एक जनरल डेरिवेशन पढ़ना है इस बार। ठीक है जी, तो देखो एक डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल तो आपको पता है ऐसे बनता है ना, और ये आपको पता है ये माइनस क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज, और बीच में होता है इसका सेंटर। ठीक है जी, पॉइंट पी जो मानना है आपको है ना, वो जनरल पॉइंट पर मानना है या किसी पॉइंट पर मानना है। ठीक है जी, तो देखो आपको याद हो एक्सियल पोजीशन में तो ऐसे मानते थे पॉइंट, अक्षीय स्थिति में इधर पॉइंट पी, और नॉन एक्सियल पोजीशन में पॉइंट पी ऐसे मानते थे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो नॉन एक्सियल या निरक्षीय स्थिति में, लेकिन ये जनरल पॉइंट है या एनी पॉइंट है, तो आप इसे कैसे मानेंगे है ना, इस तरीके से मान लो थीटा एंगल पर। ठीक है जी, कैसे एंगल पर माना, थीटा एंगल पर, तो इसे इधर से यहाँ भी मिला दो और इसे इधर से मिला दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका r डिस्टेंस पर है और कौन सा पॉइंट है आपको पता है, पॉइंट P है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देखो इसे पीछे मिलाएंगे है ना, और इसे ऐसे मिला देंगे। ठीक है जी, क्लियर है, इस तरीके से। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है जी, ये पॉइंट बी है, क्लियर है, और ए बी हो गया, तो ए बी क्या है, एक डाइपोल है आपको पता है, ये लेंथ एल होती है, बीच में तो सेंटर है ना ओ, और ये इधर भी लेंथ एल। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका है ना डायग्राम है। आप क्या निकाल रहे हैं, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए डायग्राम बनाना है, और लैंग्वेज सुन लो इसकी, लैंग्वेज क्या कहेंगे, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड लेंथ 2L। ठीक है जी, फिर क्या कहेंगे, लेट पी बी एनी पॉइंट, ठीक है, एट थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, या विद द डाइपोल,
और कोमल आगे लिखेंगे एट डिस्टेंस स्मॉल आर। क्लियर है जी। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है तथा जिसकी लंबाई 2L है, इसके केंद्र से है ना थीटा कोण पर तथा स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखना जहाँ पे इंग्लिश की बोली थी एट विच वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है जी, कर लेंगे लैंग्वेज और डायग्राम। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लो, है ना भाई। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ना वो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है। ये भी तो पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है मैंने आपको करा रखा है, V बराबर है 1/4πε0 Q/R, याद है ना। तो R वो डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है जी, जो जिस पॉइंट पर निकालते हैं, जैसे पॉइंट P पर निकाल रहे हैं और जिसके कारण निकालते हैं, ठीक है जी। तो मान लो माइनस क्यू के कारण निकालोगे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, प्लस क्यू कारण निकालोगे तो ये वाली लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है पहले डिस्टेंस निकाल लो माइनस क्यू से पॉइंट पी तक की और प्लस क्यू से वो हाँ प्लस क्यू से पॉइंट पी तक की, ठीक है जी। तो देखो आप खुद देख के बताओ ये दोनों डिस्टेंस लगभग कैसी हैं, बराबर हैं, है ना। ये दोनों डिस्टेंस लगभग कैसी हैं, बराबर। तो तुम्हें पता है ये तो आर है, तो भैया ये वाली यहाँ तक कितनी होगी, है ना, ये वाली आर है तो ये कितनी एक्स्ट्रा होगी, बस ये बात देखनी है, ठीक है जी। तो देखो डिस्टेंस हमें दो निकालनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसका नाम क्या है एपी और इसका नाम क्या है बीपी, ठीक है जी। तो एपी डिस्टेंस निकाल दो, है ना, किस तरीके से करना है सुन लो, एपी डिस्टेंस निकाल दो, बीपी डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है जी। दोनों डिस्टेंस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल दो, ठीक है जी। डिस्टेंस है ही आपको एपी आपके पास, तो वी वन निकल जाएगा यहाँ से, मान लो प्लस क्यू के कारण जो निकाल रहे हो वो वी टू निकाल दो, डिस्टेंस बीपी है ही आपके पास, मतलब निकाल लेंगे। और फिर आपको क्या करना है, दोनों के कारण निकालना है, दोनों डाइपोल के कारण निकालना है, मतलब दोनों पोल इनके दोनों पॉइंट चार्ज के कारण, क्योंकि डाइपोल दो पॉइंट चार्ज से मिलकर बनता है माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो फिर आप क्या करेंगे, वी बराबर वी वन प्लस वी टू, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है जी। तो आओ देखो पहले डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। डिस्टेंसेस निकालने के लिए डायग्राम इतना तो समझ में आया आपको, देखो जैसे ये है ना, ये दोनों डिस्टेंस बराबर रखने के लिए इसे ऐसे मिला दिया सीध में, ऐसे इसे मिला दो भाई, ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगी, यहाँ से ऐसे मिलाओगे, देखो देखो ऐसे तो डाइपोल है, तो इसे सीध में रखने के लिए आप ऐसे मिला दो, ठीक है जी, समझ गए। ये थीटा एंगल था और मान लो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये वाली डिस्टेंस यानी जिसका नाम है सी पी और ये बी पी, दोनों में लगभग बराबर होंगी, इसलिए करा है ये, इसलिए खींचा है ऐसे। और ये दोनों डिस्टेंस ए पी और डी पी, दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले बी पी निकाल लेते हैं प्लस क्यू वाली डिस्टेंस, ठीक है जी। देखो लैंग्वेज तो मैंने बोली थी, तो बी पी बराबर देखो, अब मैंने डायग्राम से बताया बी पी किसके बराबर है सी पी के, बी पी किसके बराबर है भैया सी पी के, ठीक है जी, ध्यान देना मेरी बात पे, सी पी के, ठीक है जी। और सी पी कैसे निकलेगा, ये तो पता चल गया बी पी लगभग किसके बराबर है सी पी के, ठीक है जी। और सी पी देखो सी पी कैसे निकलेगा भाई, देखो ओ पी में से सी पी घटा दूँ, बल्कि सी पी निकालना है ना, ठीक है। तो सारी कितनी है, सारी है ओ पी, देख लो ध्यान से, तो सारी ओ पी है, ठीक है, ओ से लेके पी तक तो सारी ओ पी है, और नीचे वाले घटा दो तो सी पी ना बचेगी, तो इसमें से क्या घटा दिया ओ सी, ठीक है, सी पी में से क्या घटा दिया ओ सी। और देखो यही देख लो बी पी बराबर ओ पी कितना है, ओ पी तो तुम्हें पता है आर है स्मॉल आर, और ओ सी कितना है, ओ सी नहीं पता, तो एक काम करो साइड में को ओ सी निकाल लो, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये वाला क्या नाम है इसका ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी, है ना।
ओबीसी ट्राइंगल में आप क्या निकाल रहे हैं, देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है जी। पता है आपको, हिंदी मीडियम वाले भी इस चीज़ पे थोड़ा वर्क कर लें, है ना, बेसिक इंग्लिश समझनी उन्हें भी आनी चाहिए कि हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ठीक है जी। तो ये क्या है आपको पता है, ये तो क्या है भाई, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक है जी। तो आप आपको देखो ये तो पता है L है, हाइपोटेनियस पता है, और आपको क्या चाहिए, OC चाहिए, OC यानी आपको चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं बेस है ये, परपेंडिकुलर तो ये है BC, तो आपको बेस चाहिए। तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या संबंध है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो आप लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर कोस थीटा, ठीक है जी। तो बेस, बेस कितना है भैया, बेस है OC, और हाइपोटेनियस कितना है, L है, तो OC कितना आया, L cos थीटा, समझ गए। तो आपका OP की जगह तो R और OC की जगह क्या रखोगे, L cos थीटा, समझ गए। बस ये चीज़ थोड़ी समझने की है इसकी डायग्राम वाली, BP कितना आया, R माइनस L cos थीटा। तो और देखियो एंड, अब ये निकाल लो AP, BP और AP क्यों निकाल रहे हैं, मैंने बताया था आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो BP निकाल दिया, अब AP निकाल दो, और AP कैसे निकलेगा, देखो AP और DP लगभग बराबर है या नहीं, AP लगभग किसके बराबर है, DP के, और DP कैसे निकलेगा भाई, OP में OD जोड़ दूँ, OP में क्या जोड़ दूँ, OD, तो देखो OP प्लस OD, तो देखो आप खुद बताओ OP कितना है, OP तो पता है ना आपको, R है, और OD कितना है, देखो ध्यान दो, जितना ये उतना ये, समझ गए ना, हालांकि ये बड़ा सा लग रहा है देखने में डायग्राम में, लेकिन ये बराबर रहेंगे, क्योंकि देखो जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल थीटा, अब ये एंगल थीटा तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये हाइपोटेनियस, तो बेस निकालोगे यहाँ भी क्या आएगा, हाइपोटेनियस कोस थीटा, इसका मतलब एल कोस थीटा, यहाँ भी तो इतना ही आएगा, तो यहाँ भी साइड में बता दो ओडी कितना आएगा, एल कोस थीटा, तो इसका मतलब OD की जगह आप क्या रख सकते हो, L cos थीटा, क्लियर है। तो BP निकाल दिया, AP निकाल दिया, जैसे मैंने पूरा फॉर्मेट आपको शुरुआत में बता दिया था कि, है ना, दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब सेम नहीं, दोनों की जरूरत पड़ेगी, प्लस Q से लेकर P पॉइंट तक यानी BP डिस्टेंस की, और माइनस Q से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस यानी AP डिस्टेंस की, क्यों, आइए देखते हैं। तो देखो मैंने बताया पूरे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो पहले प्लस क्यू के कारण निकाल दो, फिर माइनस क्यू के कारण निकाल दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, बताया नहीं, तो देन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है जी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके कारण, तो ड्यू टू, है ना, प्लस क्यू, हाँ प्लस क्यू के कारण, तो बताइए क्या होता है, V बराबर होता है आपके याद है क्या होता है, 1/4πε0, है ना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है, याद है ना आपके, ठीक है। एक काम कर दो, पहले फॉर्मूला लिख लें, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला लिख लिया पहले, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इतना होता है वैद्युत विभव, और पहले किसके लिए कर दो, फोर चार्ज प्लस क्यू, पहले किसके लिए कर रहे हैं, चार्ज प्लस क्यू के लिए, है ना, तो प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल है उसे आप वी वन मान लो, क्या मान लिया, वी वन, 1/4πε0, देखो प्लस क्यू, ठीक है, और आर, आर यानी प्लस क्यू से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, ये रही यानी बी पी, क्या आएगा आर की जगह, क्या आएगा बी पी, समझ गए, और बी पी की वैल्यू तो तुम्हें पता है, रख दो 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू, कहाँ है वो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू है, क्यू ही रहने दो, और बी पी ये रहा कितना है, आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है जी, वी वन निकल गया। इसी प्रकार आप किसके लिए कर दो, माइनस क्यू चार्ज के लिए, तो क्या कहेंगे, फोर चार्ज माइनस क्यू, ठीक है जी, क्या आएगा, वी टू मान लो, 1/4πε0
माइनस क्यू अपॉन ए पी, माइनस क्यू अपॉन ए पी, समझ गए ना। ए पी क्यों आएगा भाई, माइनस क्यू से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस लेनी है। तो वी टू बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस तो चाहे बाहर रख लो, और क्यू अपॉन ए पी कितना है। ठीक है जी, एक बात और ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तब प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, लेकिन पोटेंशियल में साइन भी लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ए पी, ए पी ये रहा R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है जी, वी वन, ये वी वन है और ये वी टू है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो वी वन वी टू है तो अब तो टोटल निकाल लो। तो देन, चलो यहीं लिख दो थोड़ा देन, और टोटल का मतलब है डाइपोल के कारण। भाई प्लस क्यू के कारण निकाल दो, माइनस क्यू के कारण निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो तो डाइपोल के कारण ही तो निकलेगा। तो देन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन, वो ड्यू टू डाइपोल लिख दो बस, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण। देखो जी, इसका मतलब V बराबर V1 प्लस V2, समझ गए। V बराबर V1 प्लस V2, और देखियो V बराबर V1 की वैल्यू रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा। ठीक है जी, और ये V2 बीच में प्लस है लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि हाँ माइनस है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है जी, वी बराबर कॉमन ले लो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी कॉमन है, ये बचेगा सीधा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है जी, और देखो माइनस वन अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है जी, तो V बराबर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, देखो एलसीएम क्या आएगा R माइनस एल कोस थीटा इंटू आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो इधर आएगा R प्लस एल कोस थीटा और इधर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस R और प्लस हो जाएगा L कोस थीटा। समझते हो, R से R कैंसिल, तो V बराबर बचेगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, कितना बचेगा 2L कोस थीटा। और इसका देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए, क्यू इंटू टू एल क्या होता है, पी होता है। तो V बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कोस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और साइड में लिख दो बिकॉज क्यू इंटू ट्वेल्व किसके बराबर होता है, पी के। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते हुए आप चल ही रहे होंगे। ठीक है जी, देखो अब मैं इधर से रफ करके चलता हूँ, समझ गए होंगे आप, है ना। इसमें कोई भी आपको डाउट हो ना तो आप कमेंट करना, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई बातें रही होंगी तो समझा दूंगा, बाकी मैंने समझाने का प्रयास किया है, समझ में आ जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशन ट्वेल्थ में नहीं था, अलग सा है तो शायद अजीब लग सकता है पहली बार में। ठीक है, समझ गए। तो मेन चीज़ इसका डायग्राम है, डायग्राम एक बार दोबारा देख लो चाहो तो। देखो डायपोल बना दो, माइनस चार्ज, वो माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर एल लेंथ होती है, इधर एल लेंथ होती है, बीच में इसका सेंटर है वो, है ना। और जो पॉइंट पी मानना है, ना तो एक्सेल पोजीशन में मानना, ना नॉन एक्सेल में मानना, बल्कि जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट जो थीटा एंगल पर है, मान लो झुका हुआ है ना इस तरीके से, इधर यहाँ से मिला दो, इधर से मिला दो, ओपी डिस्टेंस जो है आर है। ठीक है जी, अब मैंने बताया प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, माइनस क्यू से पी तक की चाहिए, यानी आपको बी पी चाहिए, ए पी चाहिए, फिर कुछ होगा, है ना। क्योंकि जब प्लस क्यू के कारण, देखो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो डाइपोल कारण तो तब निकलेगा, पहले प्लस क्यू कारण निकालो फिर माइनस क्यू कारण निकालो। लेकिन जब प्लस क्यू के कारण निकालोगे तो बीपी की जरूरत पड़ेगी, है ना, प्लस क्यू से पॉइंट पी तक के डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और जब
माइनस क्यू के कारण निकालोगे तो एपी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपने पहले बीपी और एपी निकाल लिया। तो बीपी और एपी निकालने के लिए भाई इसकी सीध में ये ऐसे मिला दो और इसकी सीध में ये ऐसे मिला दो, ठीक है जी, सीध में मिला देना है बस, और एड डोटेड करके ये ऐसे, चाहो इसे तो डोटेड भी मत करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और डोटेड तो करने की जरूरत भी नहीं है, चाहे डोटेड करना चाह रहे हो तो इसका मतलब बाद में मिलाया है, ऐसे कहना चाह रहे हैं, तो चाहो तो आप इन्हें डोटेड बना दो चाहे सॉलिड। तो ऐसे ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है शायद, है ना, देख लेना क्या कहते हैं, मतलब ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है जी, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, अब ये निकाल लो तो इतना ये होगा, चाहे ये निकाल लो तो इतना ये होगा, चाहे दोनों को अलग अलग निकाल लो आएगा इतना ही, कितना, एल कोस थीटा, ठीक है जी। तो इसलिए हमने बीपी निकालना था, पहले बीपी निकालना था, तो बीपी के बराबर है सीपी, ठीक है, और सीपी कैसे निकलेगा भाई, ओपी में से ओसी घटा दो सीपी निकल जाएगा, तो आपने साइड में ओसी निकाल लिया, है ना, इस ट्राइंगल में ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, इस तरीके से, है ना, तो यहाँ से बीपी आया, इसी प्रकार एपी हो जाएगा। यहाँ पे एपी करने के लिए एपी किसके बराबर है, डीपी के, और डीपी कैसे हुआ, ओपी प्लस ओडी, ठीक है जी, तो इस तरीके से ओपी तो आर है, ओडी एल कोस थीटा है, ठीक है, समझ गए, बस यहाँ तक है मेन चीज़ समझने की, ये तो फिर आप समझते हैं, पहले प्लस क्यू के कारण, पहले पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया, प्लस क्यू के कारण निकाला, माइनस क्यू के कारण निकाला, दोनों को ऐड कर दे तो ये आ गया, ये जनरल एक्सप्रेशन है ना, इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, है ना, यह वैद्युत विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का, है ना, क्या बोलते हैं, व्यापक व्यंजक है, यह सामान्य व्यंजक है, ठीक है जी। अब देखो इसे थोड़ा आगे कर लो, आप खुद बताओ, जो स्मॉल आर डिस्टेंस है देखो काफ़ी दूर है, और एल डिस्टेंस तो बहुत छोटी सी है, एल का स्क्वायर कर दिया और छोटी हो गई, कोस स्क्वायर थीटा ये भी काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो इससे मल्टीप्लाई होगी और छोटी हो गई, इसका मतलब है आर स्क्वायर डिस्टेंस जो है ना वो काफ़ी बड़ी है, किसके रेस्पेक्ट में, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा करोगे ना, मतलब बहुत बड़ी संख्या में से बहुत छोटी संख्या घटाओगे तो लगभग बहुत बड़ी संख्या ही आएगी, यानी आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा घटाओगे तो लगभग आर स्क्वायर ही आएगा। सो ये जनरल है एक्सप्रेशन, और ये पर्टिकुलर है क्योंकि ये कंडीशन लगाई आपने कि भाई यदि आर स्क्वायर आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब है ये, तब आएगा, मतलब ये जो आगे आएगा, है ना, और ये कब है, ये जनरली है पी कॉस थीटा और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, ठीक है, ये आया भैया पी कॉस थीटा, वी बराबर है 1/4π ε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इस तरीके से, है ना। तो फ़ोन की थोड़ा बैटरी लो हो रही है, तो एक काम करेंगे, अगला जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अगला पार्ट उसका नेक्स्ट बना देंगे, है ना। देखो ध्यान दो, इसमें भी आपको पता है, एक केस लेते थे आप एक्सियल, है ना, एक्सियल पोजीशन का, जिसे आप अक्षीय स्थिति कहते थे या एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है जी, एंड ऑन पोजीशन लिख लेना पूरा। तो इसमें क्या करते थे आप, डाइपोल होता था माइनस क्यू, है ना, प्लस क्यू, और पॉइंट पी ऐसे मानते थे, ठीक है जी, डाइपोल का सेंटर एल, एल पॉइंट पी की डिस्टेंस आर, इस तरीके से मानते थे ना, तो है ना ऐसे। तो यहाँ पे पता है जो थीटा एंगल पे ऐसे झुक रहा है वो पॉइंट पी, अब वो पॉइंट पी यहाँ पे है, तो इसका मतलब थीटा कितना है, जीरो, थीटा जीरो होगा तो रखो वी बराबर 1/4π ε0 पी कोस जीरो, कोस जीरो होता है वन, है ना, कोस जीरो और आर स्क्वायर, तो क्या आया, वी बराबर आया 1/4π ε0 पी कोस जीरो तो वन है, पी अपोन आर स्क्वायर, आपके याद ना है ऐसा ही ना होता था, ठीक है, आपके याद है कि बिल्कुल यही होता था एक्सेल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, केस सेकंड में आपको पता है इसे बोलते हैं नॉन एक्सियल, ठीक है जी, थोड़ा जल्दी कराना पड़ रहा है, फोन बंद होने वाला है। देखो ध्यान दो, थीटा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि नॉन एक्सियल ऐसे होता है ना, तो
तो कोस 90 की वैल्यू जीरो कर लोगे ना, रख देना वैल्यू जीरो। देखो डायग्राम समझ लो, आपको याद हो इस तरीके से माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। देखो पॉइंट पे यहाँ पे मानते हैं 90, तो थीटा बराबर कितना है 90 कर लोगे, तो थीटा 90 रखना यहाँ पे, कोस 90 जीरो होता है, तो इस तरीके से जीरो आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये समझ गए होंगे केस फर्स्ट केस सेकंड दोनों कर लियो अच्छे से। तो आप एक बात समझ गए कि ये डेरिवेशन ये जनरली करा हमने, और इसका केस फर्स्ट करेंगे तो एक्सियल पोजिशन में ये आ जाता है। नॉन एक्सियल को इक्वेटोरियल भी कहते हैं, ठीक है लिख लेना, या इसे ट्रांसवर्स भी कहते हैं और इसे लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, ठीक है ये सब चीज़ें लिख लेना आप, कर लोगे। तो इस लेक्चर में इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर है ना कर देंगे हम कल को ही अपलोड, तो आप यहाँ तक तैयार कर लो इतने, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।